अंत्योदय योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अंत्योदय योजना के अंतर्गत अब तक हुए कुल विकास कार्यों की समीक्षा की गई। उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए CDO अनुज सिंह ने अब तक इस दिशा में किए गए प्रयासों की समीक्षा की और कहा कि इस योजना के अंतर्गत जितने भी कार्य शेष रह गए हैं उन्हें तेजी से पूरा करा लिया जाए। ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है, 100% उपस्थिति रही, तो आपको हमें रिपोर्ट देना होगा कि भैया फलां इतने जो 247 गांव है उसमें जो स्कूल्स हैं उनमें उपस्थिति का प्रतिशत ये रहा इस माह। दिखाना है कि इन सब गांव में जो क्यूमुलेटिव जो उपस्थिति है बच्चों की वो हम प्रयास कर रहे हैं और वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जैसे जब हमने शुरुआत किया तो 50 था, उसके बाद आपको 247 का संकेत करते हुए हमें इन तीनों बिंदुओं पर आपको रिपोर्ट देनी है। लड़कियों के लिए उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था तो एक बार में जो आपका सर्वे होगा उसी के लिए हो जाएगा कि फला विद्यालय फला से संतृप्त है, फला विद्यालय में मानक के अनुसार ये संतृप्त है। उसके बाद जहाँ पे आवश्यकता है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि और कोई स्कूल होना चाहिए उसका प्रस्ताव बना के आप हमें भेजिए, हम उसके माध्यम से हम आगे भेजेंगे कि फला अंत्योदय गाँव में यहाँ पे उच्चतर माध्यमिक की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसके लिए शासन और जो भी आपके सर्वे में जो रिपोर्ट आएगा अभी उसको हम इस महीने की रिपोर्ट भी मान लेंगे और हर महीने उसी बेसलाइन के सापेक्ष में आप हमें बताइएगा कि आपके प्रगति क्या बन। ठीक है, जैसे सपोज अगर हम राशन की बात करें तो उसमें आप लक्ष्य लिख दीजिएगा कि यहाँ पे फला इतने राशन कार्ड के लाभार्थी हैं, वर्तमान में इतने हैं और उस सकते हैं। ठीक है, तो एक बार सभी लोग अपना जो प्रारूप है एक बार उच्च अधिकारी एक बार समझ लें। देखिए ऐसा है कि ये जो प्रारूप है इसको पहले उच्च अधिकारी को समझना पड़ेगा, तो आप भेज देंगे तो वो पटल शायद तो उतना ही काम करेगा ना जितना रहा है और उस लेवल के अधिकारी से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस प्रारूप को समझेगा जो जिसकी भर्ती शायद उस चीज को समझने के लिए नहीं हुई है और वो फिर इस तरह की बेतुकी रिपोर्टें हमें देता है। तो ये अर्थहीन रिपोर्ट आता है। अब ये रूरल ब्रैकेट पोल्ट्री योजना में लक्षित कार्य 3000, भाषांतर कर दी 3000 और व्यय योजना और अभिवृत्ति में आपने लिख दिया कैंपेन है जंगल कौड़िया पाली खजनी करगावा, ये तो आपने वो होगा ना जो आपने पूरे जनपद में बांटा नहीं गाँव में आपने ये 3000 बांटे उतने का ही लक्ष्य है।